नीतीश के 2024 प्लान पर सुशील मोदी ने जवाब दिया है, नीतीश पीएम तो दूर, कैंडिडेट भी नहीं बन सकते, पोस्टर लगाने से कोई पीएम नहीं बन जाता है। सुशील मोदी ने अब इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगने मात्र से कोई पीएम नहीं बन जाता है, वो कैंडिडेट भी नहीं बन सकते हैं, पीएम बनने की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सुशील मोदी का प्रहार नीतीश कुमार को लेकर था। पोस्टर लगाने से और होर्डिंग लगाने से ही तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। वो तो 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया खर्चा कीजिए, होर्डिंग लग जाएगा। किसी कवि को 10,000 रुपया दीजिए, तुकबंदी करके आपके पक्ष में कविता बना देंगे, तो इससे कोई थोड़ी बन जाता है प्रधानमंत्री। और देखिए, प्रधानमंत्री तो वही ना बनेगा जिसके पास 350 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन होगा। अगर उसकी पार्टी के पास 10 MP होंगे, 5 MP होंगे, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और बनेगा तो सरकार चलेगी कैसे? तो देखिए, केवल नीतीश जी को लगता है कि मैं चर्चा में रहूं, उनकी और कोई मंशा नहीं है। उनको भी मालूम है कि वो प्रधानमंत्री तो दूर की बात, उम्मीदवार भी नहीं बन सकते। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी को तेज कर दिया है। खबर है कि जल्द ही नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली में वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सोर्सेस की माने तो ये मुलाकात अब तक हो जानी थी, लेकिन सोनिया गांधी इस वक्त विदेश दौरे पर है, अपना इलाज कराने गई हुई है, और उनकी माँ का भी निधन हुआ है, जिसके चलते वो इस वक्त इटली में है। ऐसे में उनके लौटने के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार के बाद अब नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है। हाल ही में उन्होंने पटना में KCR से भी मुलाकात की थी। इधर जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में चल रही है। 2 दिन की इस बैठक में 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है। जेडीयू के सभी सांसद विधायक समेत करीब 250 नेताओं की फौज मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा तैयार करने में जुट गई है। तो अब इसी एजेंडे के तहत दिल्ली में नया गेम प्लान बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बिहार सरकार में शामिल है। जेडीयू कांग्रेस को लेकर विपक्षी एकता को और मजबूत करने की कोशिश में है। कार्यकारिणी में जेडीयू का फोकस सिर्फ और सिर्फ मिशन 2024 है। बैठक में शामिल जेडीयू नेताओं ने कहा कि 2024 के लिए अभी से बीजेपी को टक्कर देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले हैं। कोई फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है, और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को हम का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। जब साथ थे उनके, गठबंधन में जब हम थे, तब उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ दिया। तब तो हम लोगों को, क्योंकि हम साथ में थे, समर्थन भी दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको समर्थन नहीं दे रहे थे, उनको समर्थन भी हम दे रहे थे, तब तो उन्होंने विधायक तोड़ दिया। अब तो हम लोग खिलाफ में हैं, तो उन लोग तो अपने हिसाब से जो भी होगा सब करेंगे ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।